गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में, जिसके तरफ से जो फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम है उसका इंटरव्यू डेट और उसके बारे में कुछ टिप्स आपको दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, इसका रीज़न मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो सिंपल सा उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल सा आपको सर्च करना है Younger Age 73, टेलीग्राम पे जाके आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ओके, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HDFC बैंक का जो फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम है उसका इंटरव्यू काफ़ी लोगों को आ चुका है, मतलब उसका रिज़ल्ट आउट हो चुका है। ओके, उनको रिज़ल्ट का मेल आ गया है, कॉल भी आ गया है, SMS भी आ गया है HDFC बैंक के तरफ से काफ़ी लोगों को। ओके, तो इसलिए आप अपना ईमेल आईडी चेक करिए या उनको मेल करिए कि आपका रिज़ल्ट क्या हुआ। ओके, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, उन्होंने कमेंट किया था कि उनका इंटरव्यू डेट जो है 30 जुलाई सुबह 10 बजे है। ओके, 30 जुलाई 2019 को सुबह 10 बजे है। इसी तरीके का आपको एक मेल आएगा, SMS आएगा और आपको कॉल भी आएगा इसके रिगार्डिंग। ओके फ्रेंड्स, तो इनको मैं थैंक यू देना चाहूँगा, इन्होंने कमेंट करके बताया। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों का 30 जुलाई को है और काफ़ी लोगों का इसके बाद भी हो सकता है, तो सिंपल सा आप अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर चेक करते रहिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं। तो इसके इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू जो है काफ़ी आसान होता है इसका, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इजी होता है। आपको ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुझे पता है ये जो प्राइवेट बैंक्स है इनका जो इंटरव्यू होता है बहुत ही ईजी होता है, कोई भी बंदा इसको क्वालिफाई कर सकता है। सिंपल सा बस आपको इंग्लिश पर ध्यान देना है, अपना इंग्लिश जो है अच्छे से सुधार लीजिए, बस कुछ नहीं करना है, बस जो वो पूछ रहे हैं आपको उसका आंसर इंग्लिश में देना है। टेंसेस आना चाहिए, टेंस अगर आपको आ गया, इंग्लिश बोलना आपको आ गया। ओके फ्रेंड, थर्ड टॉपिक है आपका बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस, आपको पूछा जाएगा, जैसे कि कुछ बैंकिंग टर्म्स हो गई, लोन, चेक, ETC, ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप अपना जो बेसिक बैंकिंग है, कोई भी PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, कोई भी कैप्सूल डाउनलोड कर लीजिए बैंकिंग अवेयरनेस का, उसमें से इसको आप देख सकते हो और आसानी से क्लियर कर सकते हो। ओके, एकदम बेसिक चीज़ें आपको पूछा जाएगा। फोर्थ पॉइंट है आपका कॉन्फिडेंट आपको रहना है। देखिए, अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे ना तो आपका आधा इंटरव्यू ऐसे ही क्लियर हो जाता है। 50% मार्क्स या 50% क्वेश्चन का आंसर भी आपने दे दिया यहाँ पर तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि एक क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसमें बहुत कम ही लोग फेल होते हैं इसके इंटरव्यू में। ओके, तो इसलिए अच्छे से आप प्रिपरेशन करिएगा और अपना इंटरव्यू दीजिएगा अगर आपको ये जॉब करना है, ये प्रोग्राम में आपको सिलेक्ट होना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।